और Infinix की तरफ से। Infinix का S5 Pro जो आपको मिलता है 11,500 का, दूसरी तरफ है Redmi का 9 Prime जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 10,000 का, तो दोनों में 1500 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 11,500 Infinix के S5 Pro पे तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, इसके बाद दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक मिल जाता है स्क्रीन गार्ड जिसको आप खुद से लगा सकते हैं। इसके बाद दिया गया है ये कवर, सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, काफी अच्छी क्वालिटी का है ये। एक दी गई है डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी दोस्तों कमी ये है, इसके साथ आपको USB टू माइक्रो USB केबल मिलती है, टाइप सी केबल इसके अंदर नहीं दी गई। अगर टाइप सी केबल का सपोर्ट होता तो बहुत अच्छा रहता। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ नहीं दिया गया। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है Infinix के S5 Pro के साथ 11,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, अगर आप 1500 रुपए और कम खर्च करते हैं Redmi के 9 Prime पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है 10,000 में। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं Redmi 9 Prime को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जिसकी क्वालिटी आपको Infinix के साथ मिलती है वैसे ही क्वालिटी है इसकी भी। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, इसकी भी लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों फर्क ये है, इसके अंदर आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। तो Redmi के 9 Prime में आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट दिया गया है, इसमें काफी अच्छी चीज है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर वैसे ही बिल्ड क्वालिटी में, इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ही। तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर दिया गया है, फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ भी नहीं मिलता। तो इस चीज में दोनों मोबाइल एक जैसे हैं। अब ये सारा सामान आपको मिलता है Redmi के 9 Prime के साथ 10,000 में। देखा जाए तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स के साथ आपको बॉक्स के कंटेंट्स नॉर्मल ही दिए गए हैं, फास्ट चार्जर आपको दोनों के साथ नहीं मिलता। बाकी इस चीज में फिर भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर है Redmi का 9 Prime, क्योंकि इसकी कीमत भी 1500 रुपए कम है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। तो इस चीज में ज्यादा बढ़िया है Redmi का 9 Prime ही। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिजाइन मिलता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। S5 Pro के अंदर आपको बहुत ज्यादा शाइनी डिजाइन दिया गया है, ग्रीन कलर के साथ साथ ब्लैक कलर का इफेक्ट मिलता है जो बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi के 9 Prime में हार्ड प्लास्टिक टाइप का डिजाइन मिलता है, तो इस पर आपको स्क्रेचेस की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। लुक वाइज वैसा डिजाइन ज्यादा शाइनी है Infinix के S5 Pro का, बाकी क्वालिटी आपको बैक पैनल की और ज्यादा अच्छी मिल जाती है Redmi के 9 Prime की। तो डिजाइन में दोनों बहुत अच्छे हैं। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Infinix के अंदर आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का, तीसरा दिया गया है लो लाइट सेंसर। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Infinix के S5 Pro में काफी अच्छी मिल जाती है, कैमरे को लेकर ये मोबाइल काफी बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Redmi के 9 Prime में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे दिया गया है, इस चीज में दोनों जैसे हैं। फिर भी दोस्तों आपको रेट के हिसाब से और ज्यादा बढ़िया कैमरा मिल जाता है Redmi के 9 Prime का, कैमरे में ये मोबाइल और ज्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन को लेकर मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो Redmi के 9 Prime में भी और Infinix के S5 Pro में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है डिस्प्ले 6.5 इंच की। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है और IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिलती है, इस चीज में भी दोनों जैसे हैं। लेकिन डिस्प्ले का डिजाइन किसका अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूं। और यूजर इंटरफेस के बारे में बात करें तो दोस्तों यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। Redmi के 9 Prime में आप ऐसे राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है, इसमें आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई है। Infinix के S5 Pro में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको एक शॉर्टकट भी दिया गया है जिससे आप अपना ऐप ड्रॉअर एक्सेस कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल लगे। बाकी दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब डिस्प्ले का जो डिजाइन है उसमें काफी बड़ा फर्क है। Redmi के 9 Prime में आपको नॉच वाला डिजाइन दिया गया है डिस्प्ले के अंदर, वहीं दूसरी तरफ Infinix के S5 Pro में आपको ना तो कोई नॉच मिलती ना कोई पंच होल कैमरा। इसके अंदर आपको फुल व्यू डिस्प्ले दी गई है, तो डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है Infinix का। बाकी दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के ब्राइटनेस देखेंगे तो वो दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको लगभग एक जैसी दी गई है। तो क्वालिटी के अंदर तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया आपको डिजाइन मिल जाता है Infinix के अंदर, डिस्प्ले में ज्यादा बेटर है Infinix। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। साइडों से ज्यादा शाइनी डिजाइन आपको मिल जाता है Infinix का। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है Redmi के 9 Prime में। राइट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मिल जाते हैं वॉल्यूम के बटन्स दोनों में, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो Infinix में आपको राइट साइड पर मिल जाता है पॉपअप कैमरा, जो कि इसका सबसे मेन फीचर है। इसके अंदर आपको 11,500 में पॉपअप कैमरा दिया गया है, जिस वजह से इसके अंदर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। Redmi के 9 Prime में आपको ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की RAM, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, इस चीज में दोनों जैसे हैं।
Redmi के 9 Prime में आपको 64GB में से मेमोरी फ्री दी गई है 50GB के आसपास, Infinix के अंदर आपको दी गई है 54GB के आसपास, तो 4-5GB आपको और ज्यादा मिल जाती है Infinix के अंदर। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको Android का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है Android 10, ये चीज दोनों में बहुत अच्छी है। बाकी दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में, तो Infinix के S5 Pro में आपको बैटरी मिलती है 4000mAh की, इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime में आपको बैटरी दी गई है 5020mAh की, इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, बैटरी में ये भी काफी बढ़िया है, और ज्यादा बेटर आपको मिल जाता है इन दोनों मोबाइल्स में बैटरी को लेकर Redmi का 9 Prime। इसकी कीमत भी कम है और बैटरी इसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छी दी गई है। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Infinix के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का P35 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, जैसे आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी, आप WhatsApp YouTube वगैरह यूज करते हैं, तो आपको Infinix में दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime आपको दिया गया है MediaTek का G80 प्रोसेसर। अगर आपका हैवी यूज है, आपको गेमिंग वगैरह पसंद है, या आपका बहुत ज्यादा हैवी यूज है, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है Redmi के 9 Prime में। प्रोसेसर के अंदर ये मोबाइल ज्यादा अच्छा है, तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि आपको Infinix पे ज्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे। इसके बाद आपकी मेन जरूरत की चीज किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है, तो देखिए अगर आपको अच्छा चाहिए डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर दोनों बढ़िया है, आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप Redmi 9 Prime लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए और अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो वो भी आपको Redmi के 9 Prime में ज्यादा अच्छी मिल जाती है, आप Redmi 9 Prime लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, आप एक हैवी यूजर हैं, तो आप Redmi का 9 Prime ही खरीदिएगा, इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो देखिए डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो तो दोनों में अच्छी है, लेकिन डिजाइन ज्यादा बेटर है Infinix का। अच्छी डिस्प्ले के लिए आप Infinix S5 Pro खरीदिएगा। तो डिजाइन के अंदर दोनों अच्छे हैं, लेकिन डिजाइन के अलावा Infinix के अंदर आपको डिस्प्ले का डिजाइन पॉपअप कैमरा दिया गया है, इसकी खूबी है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 Prime आपको तीन चीजें अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छा प्रोसेसर और अच्छी बैटरी। तो अगर आपको ज्यादा खूबी चाहिए तो आप Redmi का 9 Prime ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉपअप कैमरा ही पसंद है, आपको फुल डिस्प्ले चाहिए, तो आप Infinix का S5 Pro भी ले सकते हैं। ये मोबाइल भी काफी अच्छा है, ज्यादा बेटर है Redmi का 9 Prime। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।